मेष राशि फल 2023 में आप अपने जीवन के हर पहलू जैसे कि पेशेवर जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में विस्तृत भविष्य फल जानेंगे। यदि आप अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 वार्षिक राशि फल के अनुसार 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके द्वादश भाव की राशि है। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में अपने प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर उनकी युति राहु से होगी, जिसके कारण गुरु चंडाल दोष निर्मित होगा। राहु मेष राशि से निकलकर मेन राशि में 30 अक्टूबर को गोचर करेगा, इसलिए मेष राशि के जातक वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन के लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सफलता और संभावनाएं प्राप्त होंगी, जिनका हाथ थामकर आप अपने जीवन में सफलता का स्वाद चख सकते हैं। मेष राशि फल 2023 के अनुसार साल की शुरुआत में मेष राशि के जातक कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपको आसान नहीं लगेगा। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा निरंकुश बनाएगी और आप अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे, जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। इस दौरान जिन लोगों का अपना व्यापार है या जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने करियर में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इस समय के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा, आप उसे भली भांति और तय वक्त पर करके दिखाएंगे। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में उम्मीद भरी नजरों से देखा जाएगा और आपके जूनियर भी आपकी बातों का अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वह यह कि किसी भी तरह की जल्दीबाजी या देरता का परिचय न दें, क्योंकि किसी काम को करने में जितना समय लगेगा उतना ही आपका काम बढ़िया होगा। वर्ष 2023 शिक्षा, करियर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको वर्ष की शुरुआत में परिजनों से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और आपकी व्यस्तता परिवार के लोगों को परेशान करने लगेगी, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। महत्वपूर्ण गतिविधियों में आपके परिवार वाले आपको काफी ज्यादा प्रेरित करेंगे। वे उम्मीद करेंगे कि आप उनकी भी बात सुने, क्योंकि उन्हें आपसे अपेक्षाएं होंगी। यदि आप कुंवारे हैं तो इस साल आपकी शहनाई बजने वाली है, अर्थात शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस साल आप कोई बढ़िया और खूबसूरत गाड़ी भी खरीद सकते हैं। चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए यह साल मध्य से लेकर अंतिम दिनों तक बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपको अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर ले जाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद परिजनों का सहयोग आपको आनंदित करेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएंगे। दोस्तों, इस वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दशम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यह समय आपको लोकप्रियता प्रदान करेगा और यदि आप राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह अवधि बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपको जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके अलावा शासकीय लोगों से भी आपको सहयोग मिलने के प्रबल योग बनेंगे। फरवरी के महीने में शुक्र के एकादश भाव में जाने से आपका दोस्तों का संग साथ मिलेगा, खूब पार्टी एंजॉय करेंगे और आपके प्रेम जीवन में भी प्रेम के अंकुर फूटने लगेंगे। आप किसी के प्यार में गिरफ्त हो सकते हैं। इस समय के दौरान आपका प्रेम जीवन खूब फूलेगा फलेगा। मार्च के महीने में राशि स्वामी के तीसरे भाव में आने से साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं होंगी, जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक साबित होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह सभी प्रकार के उत्तम समय की शुरुआत का समय होगा।
बृहस्पति की कृपा से संतान संबंधी सुखद समाचार के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके हर काम बनने लगेंगे और अटके हुए कामों में भी तेजी आएगी। मई और जून के बीच में आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद संभव है। यह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट लेकर आ सकता है, इसलिए इस दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखें। करियर में ज्यादा गुस्सैल रवैया ना अपनाएं, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जुलाई से अगस्त के बीच आप अपने विरोधियों पर हावी दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी के जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके विदेश जाने के योग इस दौरान बन सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार नए क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आपको स्वयं को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग प्रबल होंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव और उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके बीच लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। आपका व्यवहार भी थोड़ा बहुत बदलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीनों में खर्चों में तेजी आएगी। राहु के द्वादश भाव में जाने से अवांछित यात्राएं होंगी, जिन पर आपको धन खर्च भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे खर्च आपके सामने आएंगे जो बेवजह के होंगे, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में खुश नजर आएंगे। प्रेम जीवन में अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। मेष राशि फल 2023 के अनुसार वर्ष के अंत तक आप अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे। नए लोगों से मुलाकात आपको व्यापार में आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्रदान करेंगी। इस वर्ष आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे, बस आपको अपनी अधीरता से बचना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में निर्णय लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग इस वर्ष आपको और भी आगे लेकर जाएगा। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मेष राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि 2023 बताता है कि यह साल मेष राशि के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है और आप इस साल अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध होंगे। वर्ष 2023 के दौरान मेष राशि के जातकों को शनि और बृहस्पति के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा और करियर में उन्नति मिलेगी। वर्ष 2023 में आपके लिए भाग्यशाली अंक 1, 6 और 7 रहने वाले हैं। यह वर्ष थोड़े संघर्ष के बाद उत्तम सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना ना भूलें। बुधवार की शाम काली तीनों का दान किसी धार्मिक स्थान पर करें। महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। पीले चावल बनाकर देवगुरु बृहस्पति और माता सरस्वती की पूजा करें और उनसे अपनी मनचाही मुराद मांगे। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखें और प्रतिदिन स्नान के पश्चात अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2023 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।